मैं ये तो नहीं जानता कि मेरी शादी किससे होने वाली है, पर कोई लड़की मना करने के बाद फिर से शादी करना चाहे तो ये फीलिंग कुछ अलग ही होती है। उस दिन जब पल्लवी सगाई तोड़कर टेबल पर अंगूठी रखकर जा रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पापा के बिना और उनकी प्रॉपर्टी के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, जीरो। लेकिन अब उनके बिना, उनकी प्रॉपर्टी के बिना भी आई एम समथिंग। और हां, जीरो तो नहीं हूं, आई एम समथिंग, आई एम समथिंग। आई एम लो ऑन शुगर, मुझे लो शुगर है बचपन से और उसी के लिए टैबलेट्स लेती हूँ, ड्रग्स नहीं लेती हूँ। ये सिर्फ वही जानते हैं जो मेरे करीबी होते हैं, जिन्हें मैं चाहती हूँ। ओके, मतलब जो लोग मेरे लिए स्पेशल होते हैं, जैसे कि तुम। लाइक हमारी शादी और बच्चे होने के बाद हो सकता है तुम कहो कि तुमने डायबिटीज वाली बात पहले। शादी और बच्चे? वो मुझे जाके मेकअप करना है। या ठीक है। देखो सारा लगेज बाहर निकाल लो। सर ये लो। सर ये 15 लाख का चेक है पर आपको तो 10 ही देने हैं। तुम्हें जितना दो उतना कम है बेटा। सर नो सर, मैं ये नहीं ले सकता सर, प्लीज आप। ये फीस नहीं, मेरा प्यार है, प्लीज। जो अजय सिंह मुझे अपनी बेटी देने वाले थे, परी की स्कूल फीस दे बैठे। हम शादी कब कर रहे हैं? कोई ट्रैफिक में ये बातें पूछता है क्या? पहली बार तुमने मुझे सिगरेट के साथ देखा। जिस लड़की ने सगाई तोड़ी उसी का मंडप सजाया। लो शुगर होने के बावजूद मुझसे इतना प्यार किया। हमारी लव स्टोरी तो सबसे बहुत अलग है। समझ गया। घर आके मेरा हाथ मांगो। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। करेक्ट, ऐसे मामलों में फैसले सोच समझ कर करने चाहिए। हाँ। आज सोचो और कल आ जाओ। बहुत टाइम दे दिया सुबलक्ष्मी। समीरा। ओके समीरा जी, तुम अब तक आए क्यों नहीं? ट्रैफिक में फंसा हूँ और 2 घंटे लगेंगे। पापा से कहो अपने दामाद का इंतजार करें। ओके बस पहुँच रहा हूँ। हेलो। हे। शॉक लगा क्या सुबलक्ष्मी जी? इरिटेट मत करो बनी जी। ठीक है इरिटेट नहीं करता तुम्हारे पापा से। पहले ही लो शुगर का लोचा है, मिठाई मत खाओ। मेरे मम्मी पापा ऐसे ही बात करते हैं। ओ, तो ये है वो। मेरी हालत उस चूहे जैसी थी जो शेर की गुफा में साइट सीइंग करने जाता है। मैंने अपने दोस्त से कहा कि उसकी बेटी का रिश्ता इससे तोड़ दे और मैं इसे अपनी बेटी दूं। समीरा आपकी बेटी है? पता नहीं था, पता होता तो यहाँ नहीं आते। यही ना बनी, बहुत अच्छा लड़का है पापा। पिता का कर्ज उतारने के लिए इसने सारी प्रॉपर्टी बेच दी। ऐसी बेवकूफी से इम्प्रेस होने की कोई जरूरत नहीं। मैं ही नहीं, पल्लवी भी इससे शादी करना चाहती थी। मैंने नहीं सोचा था कि ये जनरेशन इतनी ना समझ होगी। इंसान पैसा कमाने के लिए ही बना है। महंगी गाड़ी खरीदनी चाहिए, ऐशो आराम की चीजें होनी चाहिए, रहने के लिए ऐसा बड़ा सा एक घर होना चाहिए और बात करने के लिए ऐसी दीवारें भी होनी चाहिए। मेरे हाथ से छूटकर ये चाय का कप गिर गया। अपनी माँ से कहो कि इसे साफ कर दे। तुम क्या कह रहे थे? आपको बनी क्यों नहीं पसंद है पापा?
मैं समझ नहीं पा रही। लड़का जवानी में दारू पिए, सिगरेट फूंके या ड्रग्स ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हम उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजकर उसका इलाज करवा लेंगे। लेकिन इस लड़के की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। कौन सी बीमारी? अच्छा बनकर भलाई करने की बीमारी। ऐसे लोग अपना सब कुछ दान करके जिंदगी भर फकीरों की तरह रहते हैं। समीरा, वैसे ही बहुत प्रॉब्लम्स है। तुम्हारे पापा से बहस नहीं करना चाहता। तुम मुझे चाहती हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इसी वक्त अपने साथ ले जाऊंगा। शाबाश। तुम्हारे पिता के मरने के बाद भी कोई उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, और तुम मेरे सामने ही मेरी बेटी को ले जाने की बात कर रहे हो। क्या यही है तुम्हारी वैल्यूज? तुम सिर्फ ढोंग करते हो। तुम शायद नहीं जानते तुम्हारा बाप एक बहुत बड़ा चीटर था। उस वक्त अगर हाथ में चाकू होता तो इसका खून करके शमशान पहुंचा देता और खुद जेल की सलाखों के पीछे होता। मेरा बाप नहीं, मेरे पिता का ही है। अगली बार उनका नाम लेने से पहले दो बार सोचिएगा। आजकल तो मैं उनका नाम दिन में कई बार लेता हूँ बेटा, ये सोच करके कैसे उन्होंने मुझे टोपी पहनाई। वो मदद करना जानते थे, किसी को फंसाना नहीं। मोहन कुमार मिश्रा बिना प्रूफ के बात नहीं करता। ये प्रॉपर्टी तुम्हारे पिता ने ही मुझे बेची थी। तब इसकी कीमत 10 करोड़ थी, आज 30 करोड़ है। लेकिन इससे जुड़े बाकी सारे पेपर्स देवराज नाम के एक आदमी के पास है, जिसने वहाँ अपना बोर्ड लगाकर उस जमीन पर कब्जा कर लिया है। जब तक मैं तुम्हारे पिता से इस बारे में बात करने पहुँचता, वो इस दुनिया से चले गए। तुम इन पेपर्स को रख कर मुझे मेरे पैसे लौटा दोगे, ये सोचकर मैं तुम्हारे घर आया था। एक ऐसा आदमी जिसे अपने सगे बाप की मौत से ज्यादा फ्लाइट रेट जरूरी थे, वो मेरे पिता के मरने के बाद मेरे घर क्यों आया, मुझे सलाह क्यों दी, ये अब मेरी समझ में आया। उस वक्त तुमने हरिश्चंद्र की तरह अपनी सारी प्रॉपर्टी लोगों में बांट दी और वो बेकार के शेयर्स रख लिए। अब तुम ही बताओ, मुझे ऐसी जमीन बेचने वाले तुम्हारे पिता महान हैं, या अब तक इस बारे में जिक्र तक नहीं करने वाला मैं महान हूँ? जाओ और जाकर शादियां अरेंज करवाओ और चिल्लर कमाओ। वैल्यूज पर प्रवचन देने की कोई जरूरत नहीं। तुमने इतना सब कुछ ये सोचकर किया कि तुम्हारे पिता को कोई गालियां ना दे, अब मैं गालियां दे रहा हूँ। क्या करोगे तुम? लौटाओगे मेरा पैसा? लौटाओगे क्या? पैसा नहीं दे सकता, पर वो प्रॉपर्टी पेपर्स ला कर दूंगा सर। तुम मुझे पेपर्स ला कर दोगे? जानते हो वो पेपर्स किसके पास हैं? देवराज ठाकुर। वो मेरी तरह शरीफ आदमी नहीं जो तुमसे प्यार से बात करेगा। उसका दूसरा नाम ही दहशत है। आस पास के 21 गांवों में उसी का राज चलता है। के लोग उसे देवता मानते हैं। हजारों हथियारबंद लोग उसके साथ रहते हैं। देवराज ठाकुर इंसान के रूप में एक जल्लाद है। जैसे बात करने के लिए लोगों की जबान चलती है, वैसे बात मनवाने के लिए चलता है उसका खंजर। उसकी इजाजत के बिना एक मक्खी तक उसके घर से निकल नहीं सकती। तो वहां से 30 करोड़ की प्रॉपर्टी के पेपर्स कैसे निकालोगे? भले ही रावण के 10 सर थे, उसके साम्राज्य की राक्षस रक्षा करते थे, अशोक वाटिका कहां थी किसी को नहीं पता था, लेकिन वहां पहुंचने के लिए भगवान राम ने रास्ता ढूंढ ही लिया। मैं वो पेपर्स लेकर आऊंगा। आज से ठीक 4 हफ्ते बाद उस लैंड का मुआयना करने बैंक ऑफिसर्स आएंगे। तब तक पेपर्स ला पाओगे? हाँ ले आऊंगा। ठीक 4 हफ्ते बाद। एक महीना। आज 21 तारीख है, अगले महीने की 20 तारीख तक, अभी दोपहर के 12 बजे, अगले महीने की 20 तारीख को पेपर्स ठीक 12 बजे आपके हाथों में होंगे। अगर तुम पेपर्स ले आए तो वादा करता हूं तुम्हें अपना दामाद बनाऊंगा। मेरे पापा की तस्वीर पर हार चढ़ाना पड़ेगा और सॉरी कहना पड़ेगा। हो सकता है आपको छोटा मुंह बड़ी बात लगे, लेकिन पत्नी का दिल जीतने के लिए कप तोड़ने से कुछ नहीं होता, दीवार तोड़नी पड़ती है। तेरे पिता ने नुकसान उठा के वो जमीन बेची, मोहन कुमार ने अपनी मर्जी से खरीदी। अब तेरे पिता दुनिया में है नहीं, इसलिए वो तेरे पिता को कुछ भी कहें क्या फर्क पड़ता है? रमेश ये क्या कह रहा है तू? मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए? हाँ, ऐसा होता तो मैं अपनी 300 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के आता, खुद को कंगाल बना लेता। तू साइन कर पाया क्योंकि वो पेपर्स तेरे पास थे, लेकिन ये पेपर्स किसी और के पास है, तू लाएगा कैसे? सब तेरे पिता की बहुत इज्जत करते थे, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर, और वो है मोहन कुमार मिश्रा, बिजनेस खोपड़ी वाला। उसने अगर कुछ गलत कह दिया तो क्या हो गया? उसकी वजह से तू अपनी जान खतरे में डाल देगा। भगवान राम अगर ये सोचते कि सिर्फ एक आदमी ने उनकी सीता के साथ अन्याय किया है, तो सिर्फ लव और कुश उन्हें भगवान बुलाते,
लेकिन आज सब भगवान मानते हैं। वैसे ही मेरे पिता को 100 में से सिर्फ 99 लोग महान कहें ये काफी नहीं है। 100 के 100 लोगों को कहना चाहिए, भले ही 100वां आदमी बिजनेस खोपड़ी वाला मोहन कुमार मिश्रा ही क्यों ना हो, उसे भी ये बात माननी ही पड़ेगी। अगर तू मेरी कुछ मदद कर सकता है तो बता, क्योंकि मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। अरे रुक, बताता हूं। मैं देवराज के जीजा को जानता हूं, उसका घर गांव में मेरे घर के पास ही है। मैं उससे बात करूंगा, मैं उससे कहूंगा कि एक पार्टी वो जमीन लेना चाहती है और उससे उसके पेपर्स मंगवाऊंगा। उसके बाद हम ओरिजिनल पेपर्स लेंगे और उसकी जगह डुप्लीकेट। ऐसे मत देख यार, ये डुप्लीकेट पेपर्स ओरिजिनल पेपर्स की जगह पर रख देंगे। तू चीटिंग करवाएगा मुझसे? करेक्ट सर, हमें किसी मीटिंग या इस चीटिंग की जरूरत नहीं है। धर्मराज ने लड़ाई जीतने के लिए एक झूठ कहा था और तू अपने पिता के लिए एक छोटी सी चीटिंग नहीं कर सकता? यार जो एग्जांपल था वो मैंने दे दिया, हिस्ट्री के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता। अब तू ही बता मैं क्या करूं, तेरे पैर पकड़ लूं? अरे समझने की कोशिश कर, ये रख। परम तू भी जा साथ। अरे वो कोई पार्टी करने जा रहा है जो मैं उसके मतलब? साथ मैं उसके साथ तो झुमरी तले भी चले जाऊंगा। ओ सर, मैं रख देता हूं, मैं रख देता हूं। इस तरह ताली बजा के मेरी मत बजाओ प्लीज, घबराहट होती है। तो नई नौकरी का इंटरव्यू कैसा रहा? काहे का इंटरव्यू सर? पुरानी नौकरी छोड़ के नई नौकरी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? मैंने छोड़ दी कहूंगा तो एटीट्यूड लगेगा। उन्होंने मुझे निकाल दिया सर। ये तो सत्यमूर्ति की कंपनी है ना? हाँ वही, वो तो बड़े अच्छे लोग। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे। अगर तुम उनके साथ काम नहीं कर पाए तो दूसरों के साथ का खाक काम करोगे? माफ करो भाई, ये लो अपनी फाइल और जाओ यहाँ से। अरे जाओ। तुमने तुम्हारी पुरानी नौकरी छोड़ी या तुम्हें निकाल दिया गया? कल नौकरी छोड़ने की बात की तो मुझे गेट आउट कर दिया। वो मैंने खुद ही छोड़ दी क्योंकि मैं आपकी तरह बड़ा बनना चाहता हूं। वो परिवार मुसीबत में है और तुम उनको छोड़कर मेरे पास आ गए, तुम पर कोई कैसे भरोसा करेगा? यहाँ से सीधा जाके दाएं मुड़ जाओ। उसी रास्ते आया था सर। हाँ वहीं से निकल जाओ। नौकरी छोड़ी बोला तो भी गेट आउट किया और निकाल दिया बोला तो भी निकल जाओ बोला। सर आपसे एक बात पूछूं, पल्लवी की शादी कराने ऊटी गए थे, समीरा से शादी करने के लिए वो गांव का नाम क्या है? रेडी रापट्टी। कौन सी रापट्टी? होगा यार कुछ। हाँ ठीक है, अभी पटरी से मत उतरो। हम लोग देश के बाहर क्यों नहीं निकल जाते? तुम्हें देखते वीजा कैंसिल कर देंगे। क्या मिर्ची लगी क्या? एक मछली को प्यास, नौकर को मालिक के गद्दे पे नींद, और मुझ जैसे को मिर्ची लग के भी लग नहीं सकती। मजाक में चार स्टेशन निकल गए। वेरी गुड रियलाइजेशन। ट्यून मस्त है ना? बकवास है। चेंज करो। बस करो, स्टॉप करो, सो जाओ।